इसलिए करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है। करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है, आप लोग करते होगे ना करवा चौथ का व्रत, उसका जब उद्यापन होता है तो एक थाली में 13 जगह पर चार चार पूड़ी रखी जाती है। आप लोगों को तो मालूम होगा, आप लोगों ने करा होगा करवा चौथ का उद्यापन। एक थाली में 13 जगह पर पूड़ी और सीरा, सीरा मतलब हलवा, रखा जाता है। और रखने के बाद में उसके ऊपर एक पत्तल रखकर उस पर सुहाग का वस्त्र, साड़ी, 5 वस्त्र, सुहाग सामग्री सब उस पर रखी जाती है। और रखने के बाद में हाथ में कंकु, चावल, हल्दी लेकर संकल्प लेकर उस थाली पर से घुमाया जाता है। कामना करी जाती है, हे चौथ माता, हे करवा चौथ, हे चतुर्थी माँ, मेरे जीवन में मैंने आपका व्रत करा है, मेरे इस व्रत को स्वीकार करना मेरा सौभाग्य का, मेरा मांग का सिंदूर, मेरी भाल की बिंदी, मेरे हाथ का चूड़ा, मेरी पाँव की बिछोड़ी, इसको अमर करना माँ। और जो ये वस्त्र मैं दे रही हूँ, इस वस्त्र को मैं जो प्रदान कर रही हूँ चौथ माता, इसको स्वीकार कर कर मेरी भी चुनरी को लाल बनाए रखना। तब उस साड़ी को, उस वस्तु को, उस सामग्री को उठाकर घर की वृद्ध सास को, जो घर में सासू होती है, उसको दिया जाता। सास नहीं हो तो किसी सौभाग्यवती नारी को दिया जाता। उसके बाद में आप फिर ब्राह्मणों का भोजन कराओ, बड़े प्रेम से बुलाओ और ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराओ। अब आज के जमाने में जो करवा चौथ का उद्यापन होता है, उसमें जब समाज की माताएं उद्यापन करती है तो केवल स्त्री स्त्री को भोजन करा देती है, पुरुष को नहीं कराती। पर करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है कि ब्राह्मण का भोजन होना चाहिए, उसके साथ सौभाग्यवती नारी आए, उसकी पत्नी। पर अपन ने तो सोचा कि चौथ माता को उद्यापन है तो केवल स्त्री स्त्री को खिला, उद्यापन का पूर्ण फल मिल जाएगा। नहीं, उसका सुख नहीं है, उसका आनंद नहीं है। और देने का भी फल है महाराज, करवा चौथ का उद्यापन करो तो भोजन करने उसको बुलाओ, जो जिसको जो अपने घर का हो उसको उद्यापन में नहीं गिनो, गिन अपने घर के लोगों को तो वैसे ही भोजन करेंगे, घर का व्यक्ति तो वैसे ही भोजन करेगा ना, पर अपन ने उन्हीं को गिना, ने हमारी बड़ी जीजी के गिन लो, ने छोटी जीजी के गिन लो, ने भांजी के गिन लो, ने उसके गिन लो, ने उसके गिन लो, ने 13-14 ऐसे इकट्ठा कर लिया, ने साहब ये अपने इकट्ठे हो गए, ये तो अपने हो गए, ये तो तुम उद्यापन करोगे तो घर में इनको तो जिमाना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार हैं। दूसरे को जिमा कर जब हम दान देते हैं, दान उसको लगता है जो दूसरे को दिया गया। कई लोग कहते हैं हमने बहन बेटी के दे दिया, तो बहन बेटी क्या दान लेती है? किस पुराण में लिखा है कि बहन बेटी दान लेती है? हमको वो भी बताना कि बहन बेटी दान लेती है, क्योंकि बेटी तो खुद कन्यादान में जाती है, बेटी का कन्यादान होता है, वस्तु का दान नहीं, बेटी खुद दान में दी जा रही है, कन्यादान में। बेटी कभी दान नहीं लेती महाराज, बहन बेटियां कभी दान नहीं लेंगी। और बहन बेटियों को कह भी देना चाहिए, अगर भाभी उन बोले कि हमने जीजी को दान है, दान मान नहीं ले रहा है, देना हो तो ठाट से हमारा हक दे रही हो, हम साल भर में आते हैं तो राखी पे साड़ी दे रही हो, ये हमारा हक है क्योंकि हमारे मकान में रह रही हो, हक दे रही हो, दान नहीं। दान देना है तो पंडित जी के दो, दान देना है तो ब्राह्मण को दो, गौ माता को दो, हम दान नहीं ले रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। ऐसे नहीं दोगी तो काले कोट वाले भैया से लिवाएंगे, हमारा कहीं जाए, हम तो दान दो बस। अब तुम क्यों नहीं, तो हम तो दान दे रहे हैं बहन बेटी के, दान दे रहे हैं तो बहन बेटी को दान ले क्या, बहन बेटी के कहीं पड़े तुमसे दान मांगे, इतना बहुत तो वो खुद दान करिया है, कहीं दान ले, वो तो हक ले रही है, दान नहीं, दान नहीं मांग।
अब वस्त्र दिया, सिंगल नहीं, एक नहीं, दो प्रदान करो, पांच दो। भाग दिया, करवा चौथ का जब उद्यापन करो तो आप चौथ माता से विनय कर निवेदन कर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।